गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू टेस्ट क्विज। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोग का परिमेय संख्या और रैशनल नंबर को डील किया था। ठीक है, तो परिमेय संख्या ये आप लोगों के मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। ठीक है, या जो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से इसको स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि हम लोग ये जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो हम लोगों ने परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स, ठीक है, इसको देखा था। तो क्या होता है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ये डिफाइन किया था कि P और Q यहाँ पे क्या होते हैं, P यहाँ पे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे हमारे P में आते हैं। इंटीजर्स मतलब जो पूर्णांक संख्या है, जैसे कि -1, ठीक है, -2, -3, 0, 1, 2, 3, अप टू डैश डैश, और इधर अप टू डैश डैश मतलब कि 3 के बाद आपके जितने भी संख्या है अप टू, जैसे हम लोग पढ़ते ना असंख्य असीमित इनफाइनाइट संख्याएं होती है, ठीक है, वैसे क्यू में भी सब कुछ। लेकिन यहाँ पे हमेशा हम लोग को पता है ऑल इंटीजर्स तो आएंगे, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सब कुछ इसमें काउंट होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमेशा हमें याद रखना है परिमेय संख्या में कभी भी जो हमारा क्यू है वो जीरो के इक्वल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यू इक्वल्स टू जीरो हुआ, ठीक है, अगर हमने p अपॉन जीरो यहाँ पे रख दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, ये तो डिफाइन ही नहीं होगा। इसलिए कभी भी q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग बताइए कि ये जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर है या नहीं। चलो मैं लिखती हूँ -2/3, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। अगर मैं लिखूं 3 तो क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लगा दें तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर ये लिखे हम लोग 1, ठीक है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे भी अपन 1 लगा के इसको रैशनल नंबर बना सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने लिखा 0, क्या 0 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 मैंने Q पे नहीं होना चाहिए, लेकिन P पे तो हो सकता है ना। P पे अगर 0 है तो उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप 1 लगा दो, उसकी वैल्यू बिल्कुल 0 होगी, लेकिन इट इज डिफाइंड एज रैशनल नंबर। इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे और इसको रैशनल नंबर बोलेंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने हमें पता चल गया कि परिमेय संख्या क्या है, उसको p बाई क्यू के रूप में डिनोट करते हैं, और p क्या है, जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो सारी p है, और q क्या है, वो भी ऑल इंटीजर्स है, बस हम लोग उसमें जीरो नहीं रखते। जीरो क्यों नहीं रखते? क्योंकि अगर हम लोग q की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इनफाइनाइट को कोई डिफाइन कर सकता है क्या? नहीं, बस यही एक रीजन है कि हम लोग q इज नॉट इक्वल टू जीरो लेते हैं। ओके, नाउ ये हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया कुछ कि परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है, ये देखो, सपोज ये है -2/3, 3/1, 1/1, हर एक वो नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो नंबर डिफाइंड होगा एज अ रैशनल नंबर और परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि परिमेय संख्या क्या होता है। अच्छा बच्चों, उस दिन हम लोगों ने परिमेय संख्या के लिए हम लोगों ने उसका एडिशन देखा था कि कैसे हम उसको जोड़ते हैं, कैसे हम उसको घटाते हैं, कैसे हम उसका गुणा करते हैं, कैसे हम उसका भाग करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, मैं आज और कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ। जैसे कि उस दिन तो हम लोगों ने सिंपली 1/2 + 3/4 ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। लेकिन अगर आपके सामने सपोज क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि -2/3 + 5/7, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए
आप लोग को सिंपली वही एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रोसेस ही करना है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इस माइनस को, अगर आप लोग को दिक्कत आ रही है तो इसको आप बाद में भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके आगे तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। ये हम लोग 2/3 का माइनस साइन ये सामने लाए, ये 2/3, ठीक है। अब फिर वही सेम प्रोसेस, 7 और 3 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आप लोगों को पता है, सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 से तो ये हो नहीं पाएगा, इसलिए हम लोगों को इसको 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये 7 एज इट इज, ठीक है, और ये 3 1 3। नाउ 7 को क्या लेंगे, 7 1 7। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी कोई अभाज्य संख्या है जैसे कि 3 और 7। अब मैं बताती हूँ अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर और अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको सिर्फ या तो एक से उसको भाग दे सकते हैं या तो फिर उसी नंबर से उसे भाग दे सकते हैं। जैसे 3 है, ठीक है, 3 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से तो हर एक नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, तो ठीक है। और 3 को 3 इटसेल्फ मतलब कि 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर है जिसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम लोग 1 और 3 के अलावा डिवाइड कर सके। इसलिए जो हम लोग का नंबर है 3, ठीक है, 3 वो क्या है बच्चों, वो है अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। वे नंबर जो या तो अपने आप से या फिर केवल 1 से विभाजित होते हैं या डिविजिबल होते हैं, वो नंबर अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसके एग्जांपल है 1 ना ही भाज्य है, हमेशा याद रखना, एक जो है नंबर 1 जो है वो ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। बच्चों ये टॉपिक हम लोग बिल्कुल भी नंबर वाले टॉपिक में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से नंबर्स पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी बस आप लोग नॉलेज के लिए इतना पता रखिए कि प्राइम नंबर्स होता क्या है या अभाज्य संख्या होती क्या है, ठीक है। तो 1 तो नहीं है, ना ही भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है प्राइम, ठीक है, वो 1। तो 2 भी बच्चों हमेशा याद रखना एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को भी क्या है, या तो सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं या तो फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 9 नहीं है बच्चों। ऐसा मत सोचना कि जो ऑड नंबर्स होते हैं वही हम लोग के अभाज्य संख्या होते हैं। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड होता है, हमें पता है ना, 3 3 9 हो जाता है, इसलिए ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का अभाज्य संख्या। तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि कभी भी हम लोग को एलसीएम में अभाज्य संख्याएं मिले तो उसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या आया, 3 और 7 करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन 21। इट मीन्स कि इसका जो एलसीएम है वो आया 21। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसे रख कर रही हूं। ठीक है, तो हम लोगों ने एलसीएम तो ले लिया 21, ठीक है। अब 7 को डिवाइड करेंगे 21 से, 21 को डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है। 21 को डिवाइड किए 7 से, क्या आया, 3, ठीक है। 7 3 21 होता है ना, जो ये 3 आया उसको हम लोग जो अंश में जो संख्या है या फिर न्यूमरेटर में जो संख्या है 3 × 5 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का गुणा 5 से करेंगे, तो 5 3 15 या फिर 5 3 15। यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन लगा दिए। अब 3 को हम लोग फिर से डिवाइड करें, 21 को डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, तो 21 को अगर हम डिवाइड करें 3 से तो क्या आएगा, 7, ठीक है। और 7 3 7 21, और 7 जो आया है उसका मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 7 2 14। देखो बच्चों, अब 15 में से 14 गया तो
वन और अपॉन में 21, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को और क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ठीक है, आप लोग की बुक में दिए होंगे, आप और क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, डाउट है तो बिल्कुल पूछिए। ठीक है, ये हो गया आप लोग का जो हम लोगों ने उस दिन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन देखा था, बस उसका एक पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग का परिमेय संख्या है वो दो रूल्स भी फॉलो करते हैं, एक होता है क्रम विनिमय का नियम, ठीक है, और एक होता है साहचर्य नियम। तो क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, हम लोग इस नियम के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज आप लोग का ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको b को हम लोग सामने लिख सकते हैं, b प्लस a प्लस c ऐसा भी लिख सकते हैं, इट मीन्स हम लोग इसको ऑर्डर आपस में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग सेम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नॉर्मल नंबर्स में इसका क्रम विनिमय का नियम चेंज करते हैं, हम परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर्स में भी बिल्कुल उसका चेंज कर सकते हैं, ये क्रम विनिमय फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद साहचर्य का नियम, तो साहचर्य का नियम ये कहता है कि जैसे a प्लस बी प्लस और c है, ठीक है, फॉर सपोज हम लोग को कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में अगर ये लगाना है ब्रैकेट, ठीक है, तो हम लोग इसको बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस c। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि परिमेय संख्याएं जो होती है वो क्रम विनिमय और साहचर्य नियम दोनों का पालन करती है। ठीक है, दोनों को फॉलो करती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हम लोग इन रूल्स को फॉलो करके उस क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना सकते हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ये वाला, जैसे कि ये आप लोग की नोटबुक में क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो नियम है उनको फॉलो करके आप क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, जैसे कि क्रम विनिमय नियम है या साक्षरता का नियम है, उनको फॉलो करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। तो सपोज जैसे कि -2/3 या आप लोग का क्वेश्चन है 3/5 प्लस 5/2 -3/5 into 1/6। तो देखो बच्चों, हम लोग इसमें इसको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको रूल्स लगा के इसको फॉलो करना है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में हमेशा जो भी एक पद रहेगा उसको हमेशा एक पद माना जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये दूसरा पद है आप लोग का, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा है और ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हम लोग को ये दिख रहा है कि ये जो 3/5 है, ठीक है, ये इसमें भी कॉमन लग रहा है और इसमें भी कॉमन लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पद को इधर खिसका देंगे और इस पद को इधर ले आएंगे। देखो क्या करते हैं अपन, -2/3 into 3/5, ये वाला जो है वो एज इट इज यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आया माइनस, ये पूरा कंप्लीट एक पद होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में जो भी रहता है वो, तो -3/5 into 1/6 +5/2। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो 3/5 है उसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लो, ये 3/5 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2/3, यहाँ पे क्या बचा माइनस, और ये क्या बचा, यहाँ पे 3/5 तो निकल गया है, क्या बचा यहाँ पे 1/6, क्लियर। ठीक है, इसके बाद ये जो प्लस 5/2 है ये हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, एक्चुअली सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं, ये ना करके हम लोग ये कर सकते हैं, ये 3 1 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 1 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 और ये 3 2 6। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, है ना, बहुत सारे
वो भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। हम लोग दोनों तरीके से करते हैं, ठीक है। पहले ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद कॉमन वाला कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये ऊपर में क्या आया 2/5 माइनस, ये क्या हुआ नीचे में क्या बचा है 5 बचा है, और ये 2, तो क्या हुआ 1/10, ठीक है। और ये प्लस 5/2, ठीक है। तो फिर अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका ले लेंगे अपन एलसीएम। तो देखो 2, 5, 10 और 2 का अगर हम एलसीएम लेंगे, तो पहले वही देखो, अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्ट उसका वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। ये 5 है, 2 5 10 और 2 1 2, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये होगा 5 से, 5 1 5 5 1 5 और ये 1। तो इसका एलसीएम क्या आया 2 × 5 = 10, ठीक है। अब ये 10 का एलसीएम आ गया। अब हम लोग 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो 2 2 = 4 माइनस 10 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो कितने बार में होगा 1 टाइम्स में, तो 10 1 = 10 और ये हुआ 1। प्लस 2 को डिवाइड करेंगे हम लोग 10 से, तो कितने बार में गया 5, तो 5 5 = 25, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों, इसका दूसरा वो मैं इसको रख कर रही हूं, ठीक है। ये देखो 4 में से 1 गया तो कितना होगा 3, ठीक है। प्लस 25/10, ये कितना हुआ 28/10। अब इसको हम लोग 2 से कैंसिल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो ये आंसर क्या है आप लोग का 14/5, ठीक है। इसको हम लोग रब करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के ऐसे ही हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बस ये रूल्स फॉलो करके इसका सिंपली एलसीएम निकाल के और इसका आपस में आप लोगों को चेंज करके बस आपको इसको